बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अराइवल। इस कहानी की शुरुआत में हमें लुईस नाम की एक लिंग्विस्ट को दिखाया जाता है। लिंग्विस्ट उन्हें कहा जाता है जो कई सारी भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। लुईस की एक बेटी भी है जिसे बहुत ही खतरनाक बीमारी है और जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पर सच तो ये होता है कि लुईस की आज तक शादी नहीं हुई और ना ही उसकी कभी कोई बेटी पैदा हुई है। तो ये वक्त कौन सा था? क्या ये उसका एक सपना था या फिर उसका भविष्य? वहीं लुईस जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए जाती है तो उसे पता चलता है कि दुनिया के अलग अलग 12 हिस्सों में एलियन शिप आकर हवा में एक जगह पर अटक गए हैं, जिससे पूरी दुनिया परेशान है क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि ये एलियन शिप यहाँ धरती पर क्यों आए हैं, इनका मकसद क्या है। अब लुईस के पास अमेरिकन आर्मी के कर्नल आते हैं जो पहले से उसे जानते हैं क्योंकि एक बार उसने किसी भाषा को डिकोड करने में उनकी मदद की थी। और कर्नल के पास एलियंस का एक वॉइस रिकॉर्डेड नोट होता है। वो चाहते हैं कि लुईस उसे डिकोड करे। लुईस कहती है कि इस भाषा को इस तरह से समझना पूरी तरह से नामुमकिन है क्योंकि उसने ऐसी भाषा कभी पहले नहीं सुनी। अगर वो चाहते हैं कि वो इस भाषा को डिकोड करे तो उसे उस जगह ले जाना होगा जहां पर एलियंस हैं, जहां पर इंसान उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नल उसकी बात मान जाते हैं और उसे उस जगह ले जाते हैं जहां पर एलियन शिप हवा में लटका हुआ होता है। लुईस के साथ यहां पर एक और वैज्ञानिक होते हैं जिनका नाम इयान है। और जब ये स्पेसशिप के नीचे जाते हैं तो ये देखते हैं कि स्पेसशिप की ग्रेविटी उल्टी है, यानी कि यहां पर जमीन से ऊपर की तरफ पैदल चला जा सकता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि ये एलियंस इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस हैं। और अब लुईस उस जगह पहुंच जाती है जहां पर दो बड़े बड़े एलियंस होते हैं। इनके बड़े बड़े 7 लिम्ब्स हैं, इसीलिए इन्हें हेप्टापॉड्स कहा जाता है। हालांकि एलियंस और इंसान आमने सामने हैं, लेकिन ये एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, इसीलिए किसी को कुछ नहीं पता कि एलियंस धरती पर क्यों आए हैं। इसके बाद लुईस यहाँ से चली जाती है और अगली बार वो अपने साथ एक व्हाइट बोर्ड लेकर आती है ताकि वो उनसे रिटन में कम्युनिकेशन कर सके। वो रिटन में लिखती है ह्यूमंस, यानी कि हम ह्यूमन हैं, इंसान हैं। एलियन से पढ़ने के बाद सामने अपने हाथ से एक गोला बनाते हैं जो कि उनकी स्क्रिप्ट होती है, यानी कि जिस तरह से इंसान लिखते हैं उसी तरह से एलियंस की भी अपनी एक स्क्रिप्ट है। लेकिन लुईस को कुछ भी समझ नहीं आता कि इस सर्कल का क्या मतलब है। लुईस इस सर्कल का मतलब समझने की कोशिश करती है। दरअसल इसके 2 अंत नहीं मिलते और अंत में कुछ अजीब अजीब सी लकीरें होती हैं, लेकिन फिलहाल उसे कुछ समझ नहीं आता। एक बार फिर से वो यान के साथ उसी स्पेसशिप में जाती है जहाँ ये हमेशा अपने साथ एक बर्ड को भी ले जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि वहाँ का वातावरण इंसानों के लिए पर्याप्त है कि नहीं। बर्ड हमेशा जिंदा रहता है और पहली बार यहाँ पर लुईस अपने सूट को उतार देती है। उसे देखकर यान भी ऐसा ही करता है और इनके लिए वातावरण पूरी तरह से पर्याप्त होता है। इसके बाद लुईस व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर अपनी तरफ इशारा करती है, जिससे एलियन समझ जाते हैं कि उसका नाम लुईस है। यान भी ऐसा ही करता है, व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर अपनी तरफ इशारा करता है। और ठीक इसके बाद दोनों एलियंस 2 अलग अलग सर्कल बनाते हैं जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि ये इनके नाम है, लेकिन अब तक ये इनकी भाषा को समझ नहीं पाए हैं। इसी तरह से 1 महीने तक ये लगातार इनके शिप में जाते हैं और अब इनके पास बहुत सारे सर्कल्स हैं जो इनकी भाषा है, लेकिन इनकी भाषा को सर्कल्स को डिकोड करना इतना आसान नहीं है। वहीं दुनिया के अलग अलग 11 देशों में जो अलग अलग 11 UFOs हैं, वहाँ की गवर्नमेंट उनसे कम्युनिकेट करने की, कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जिस तरह से लुईस और यान कर रहे हैं। और ये सब के सब लगातार एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। और अब कई महीने बीत जाने के बाद लुईस कुछ शब्दों को डिकोड कर चुकी है, उसे कुछ कुछ समझ में आ चुका है कि एलियंस उनसे क्या कहते हैं। इसीलिए उन्हीं की भाषा में वो उनसे एक सवाल पूछती है कि आप सब यहाँ पर क्यों आए हो, और उसके जवाब में वो एक सर्कल बनाते हैं जिस सर्कल का मतलब निकलता है यूज वेपन, यानी कि हथियारों का इस्तेमाल करो। ये सुनने के बाद, ये मैसेज पाने के बाद सब के सब परेशान हो जाते हैं। हालांकि लुईस को लगता है कि हो सकता है कि वो औजारों को हथियार यानी कि वेपन्स कह रहे हो, लेकिन आमी इस बात का ये मतलब निकालती है कि वो हथियार इस्तेमाल करने के लिए कह रहे हैं, या तो वो हम पर हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं या तो वो फिर लड़ाई का आगाज कर रहे हैं। जब चाइना कोई बात पता चलती है तो वो अपनी कंट्री की इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करने से मना कर देता है। साथ ही ये भी कहता है कि अगर एलियंस ने अपने UFO को, स्पेसशिप को हमारी जमीन, हमारे देश के ऊपर से नहीं हटाया तो हम उसके ऊपर हमला कर देंगे।
चाइना को देखकर बाकी देश भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से मना कर देते हैं। दरअसल यूज वेपन के मैसेज के बाद सबके सब डर चुके हैं, इसीलिए आर्मी के 4 ऑफिसर एलियन शिप के अंदर जाते हैं और वहां पर टाइम बॉम्ब को प्लांट करके निकल जाते हैं। लुईस को रियान कोई बात नहीं पता होती और वो उस मैसेज का सही मतलब निकालने के लिए एक बार फिर से एलियन शिप के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें टाइम बॉम्ब के बारे में कुछ नहीं पता होता। और अब पहली बार एलियन सिंबल के जरिए लुईस को उन्हीं के ग्लास पर उन्हीं की भाषा में कुछ लिखने को कहती है। और जब लुईस ऐसा करती है, एलियन दूसरी तरफ कई सारे सिंबल से एक साथ बना देते हैं और तभी एलियंस को पता चलता है कि उनके शिप में टाइम बॉम्ब है, इसीलिए वो शिप की ग्रेविटी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इस वजह से लुईस और इयान दोनों के दोनों शिप से नीचे गिरने लगते हैं और शिप का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद ब्लास्ट होता है और इस तरह से इयान और लुईस दोनों की जान एलियंस बचा लेते हैं। और अब एलियन शिप जो जमीन से काफी नीचे था, अब वो जमीन से बहुत ऊपर चला जाता है ताकि कोई भी इंसान वहां तक उनकी इजाजत के बिना ना आए। साथ ही अब आर्मी पूरी तरह से घबरा चुकी है क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर हमला किया है और उनका मानना होता है कि एलियंस भी अब उनके ऊपर हमला करेंगे। वहीं लुईस और इयान को दिखाया जाता है जो उन सिंबल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं जो आखिरी बार एलियंस ने उन्हें दिखाए थे, जो कि बहुत सारे थे और इसमें अलग अलग 11 और सिंबल्स होते हैं जो उन 11 स्पेसशिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में है। यहाँ पर ये समझ जाते हैं कि अगर इन सभी इंफॉर्मेशन को जो अलग अलग 11 शिप्स ने इन्हें दी है उसे एक साथ इकट्ठा किया जाए तो इन्हें कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन अब कोई भी देश एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। वहीं लुईस को बार बार अपनी बेटी के विजन्स आ रहे थे जो इस दुनिया में आज तक पैदा हुई नहीं। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, उसे लगता है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है। साथ ही उसे एक और विजन आता है जिसमें वो देखती है कि एलियन शिप के अंदर से एक छोटा एलियन शिप निकला है और वो उसे ऊपर ले गया, जिसके बाद वो ग्लास के दूसरी तरफ एलियंस के पास भी गई। और जब वो बाहर जाती है जहां पर स्पेसशिप है, तो सच में उसके अंदर से एक छोटा शिप निकलता है जो उसे ऊपर ले जाता है और वो एलियन के पास जाती है, जहां पर शुरू में उसे सांस लेने में तकलीफ होती है पर जल्द ही वो नॉर्मल हो जाती है। एलियन उसे बताता है कि हम यहां पर इंसानों को खत्म करने नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए आए हैं। यूज वेपन का मतलब था यूज गिफ्ट, और वो गिफ्ट हमारी भाषा है। जो भी हमारी भाषा को समझेगा, अच्छी तरह से जान लेगा, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ देख सकता है। और यही एक कारण होता है कि जब लुईस इनकी भाषा को थोड़ा थोड़ा सीख रही होती है तो वो अपने भविष्य की घटनाओं को भी देख रही थी। इसीलिए उसने देख लिया था कि बड़े यूएफओ से, यानी कि एलियन शिप से एक छोटा शिप निकला जिसमें वो ऊपर गई और बाद में ऐसा हुआ भी। अब जब लुईस एलियन के साथ होती है तो उसकी पूरी भाषा, पूरी लैंग्वेज उसे समझ में आ जाती है। एलियन उसे बताता है कि आज से 3000 साल बाद हमें इंसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी। दरअसल एलियंस ने अपना भविष्य देख लिया होता है, इसलिए वो इंसानों को यहाँ पर अपनी भाषा, अपनी भविष्य देखने की तकनीक को सिखाने के लिए आए होते हैं ताकि इंसान भविष्य में उनकी मदद करें। और अब लुईस को सब कुछ पता चल गया है। इसके बाद लुईस को सुरक्षित वापस धरती पर, यानी कि जमीन पर उतार देते हैं। और लुईस को अब एक विजन आता है जिसमें वो आज से 18 महीने बाद का विजन देखती है, जहां पर दुनिया के सभी बड़े लीडर्स एक साथ जश्न मना रहे हैं, जो कि एलियंस के खतरे के टलने का जश्न होता है। यहाँ पर चाइना के जनरल होते हैं जो कि लुईस के पास आते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया होता तो हम कभी भी इस खतरे से नहीं बच पाते। लुईस कहती है कि मैंने आपको कभी कॉल नहीं किया। वो कहते हैं कि तुमने मुझे कॉल किया था। वो उसे अपना प्राइवेट नंबर बताते हैं और कहते हैं कि तुमने कॉल करके मुझे मेरी पत्नी के आखिरी शब्द कहे थे कि युद्ध से कभी विजेता नहीं बनते बल्कि युद्ध से विडोज पैदा होती है। और इसी मैसेज को सुनने के बाद उन्होंने एलियन शिप के ऊपर हमला करने का अपना इरादा बदल दिया था। दरअसल अब हर एक देश एलियन शिप के ऊपर हमला करना चाहता है। हनी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां पर लुईस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड होती है। दरअसल अब वो भी एलियन की तरह पूरी तरह से भविष्य को देख सकती है। इसके बाद लुईस चाइना के जनरल को सैटेलाइट फोन से कॉल करती है, जो कि एलियन शिप के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं, और वो उन्हें वही बात बोलती है जो मरते वक्त उनकी पत्नी ने कहा था, युद्ध से विजेता नहीं बल्कि विडोज, यानी कि विधवाएं पैदा होती है। और अपनी पत्नी के आखिरी शब्द याद करने के बाद वो एलियन शिप के ऊपर हमला करने का अपना इरादा पूरी तरह से टाल देते हैं। उनको देखकर बाकी देश भी ऐसा ही करते हैं और अगले पल सारे के सारे, यानी कि 12 के 12 एलियन शिप धरती से आकाश की तरफ उड़ जाते हैं, यानी कि वो अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। रब एलियन की जो भाषा लुईस ने सीखी होती है, इसके ऊपर वो एक किताब को पब्लिश करती है और जो कोई भी इस किताब को पढ़ता है समझता है, वो भी एलियन की तरह
हैना और लुईस की तरह पूरी तरह से अपने भविष्य को देख सकता है। साथ ही लुईस भी अपने भविष्य को देखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि एन के साथ उसकी शादी हुई है, जिसके बाद उसकी एक बेटी पैदा होती है जो आगे चलकर बीमार हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद लुईस एन को बताएगी कि उसे ये बात पहले से पता थी और इस बात से नाराज होकर एन भी उसे छोड़कर चला जाएगा। कहानी की शुरुआत में लुईस की जो बेटी दिखाई गई थी, दरअसल वो उसका भविष्य था। तो उसे अब पता चल रहा है, यानी कि एलियंस ने जानबूझकर उसे सब विजन्स दिखाए थे जो वो अब अपने मन से, यानी कि अपनी प्रोग्रामिंग जो कि अब पूरी तरह से इस भाषा को सीखने के बाद बदल चुकी है, आराम से देख सकती है। वो जानती है कि एन के साथ उसका भविष्य क्या होगा, उसकी बेटी की बीमारी से मृत्यु हो जाएगी, साथ ही एन उसे छोड़कर चला जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसे गले लगा लेती है, यानी कि वो अपने आने वाले फ्यूचर को, भविष्य को स्वीकार कर लेती है। हो सकता है कि आने वाले भविष्य को टाला ना जा सके, और इसीलिए एलियंस जो कि जानते थे कि 3000 साल बाद जब उनकी दुनिया खत्म होने वाली होगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और तब इंसानों की मदद की उन्हें जरूरत होगी, और इसीलिए वो धरती पर आए थे ताकि उनके संपर्क में आने के बाद वो उन्हें बात बता सके, साथ ही अपनी भाषा भी सिखा सके। और यही एक कारण था कि वो एलियन धरती पर आए थे। कहां से, किस दुनिया से, इस बारे में इस कहानी में कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म अराइवल की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।